तकसीर की बात, मसला यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जैसे बाहर निकलेंगे ना आपको हर दूसरा बंदा कहेगा तक बाल कटवाने बाल कटवाने बाल कटवाने। ये ग्रीन जो लाइन है जब आपको दिखाई दे यहाँ पर तो लोग दौड़ते इसके लिए, तो यहाँ पे अभी मुस्तहब है कि यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी चला जाए। उसके बाद फिर आपने साई यानी सफ़ा मरवा पे 7 चक्कर लगाने, यानी ये सामने जो आपको दिखाई ये सफ़ा है, यहाँ से आप शुरू करेंगे, नियत करें कि भाई मैं सफ़ा मरवा का सही कर रहा हूँ उम्रा मुकद्दा की कुर्बत मिला। इस वक्त मैं मीकात में मौजूद हूँ, वो मीकात जो मक्के के सबसे करीब है, क्योंकि दूसरा हूँ मेरा उम्रा है वालिद मरहूम की तरफ से, तो इसके लिए अब उसकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किरान, उम्रा मुफरदा के लिए मैं निकला हूँ, और उम्रा मुफरदा कैसे होता है उस पर मुकम्मल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। एहराम पहनने के लिए मदीना से जब मक्का जाते हैं दुल्हलीफा अबियार इमाम अली, यहाँ पर हम गुसल करेंगे और यहाँ पे एहराम पहनेंगे, क्योंकि मक्का में दाखिल होने के लिए शर्त है कि एहराम पहना हुआ। एहराम हम पहनेंगे, नियत हम जाके मक्का करेंगे, उसके बाद फिर जो है उम्रे के मुफरदा के अहकाम शुरू हो जाएंगे हमारे पर, अहरामात मुहरमात जो भी होते हैं। तो उसमें 7 चीज़ें वाजिब हैं, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह उम्रा मुफरदा आप कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इस वक्त मदीना से बाहर मुज़दलिफा अबियार इमाम अली मीकात पे मौजूद हूँ, यहाँ पे हम गुसल करेंगे और एहराम बांधेंगे और मक्का की तरफ रवाना होंगे इंशाल्लाह। ये सामने मकाम इब्राहिम है, इसके सामने अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, ये वो जगह है जहाँ पर तवाफ शुरू करना है, नियत करके उम्रा मुफरदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ और बतत इल्लाह, यहाँ से फिर शुरू करना है, 7 चक्कर लगा के यहीं पे ख़त्म करना है। मकाम इब्राहिम के अंदर जाना, बाहर वाली जगह ये आ रहे हैं ऐसे नहीं, इसके अंदर बहुत सारे उसके बाद फिर यहाँ पे मकाम रुकन इब्राहिम के बिल्कुल पीछे इस जगह पर ये मकाम इब्राहिम है, इधर जाके ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, इधर आपने नमाज़ पढ़नी है 2 रकात तवाफ़ गुरबतन इल्लाह और निसा तवाफ़ की नमाज इधर पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से फिर जाएंगे साई, सामने लिखा होगा साई सफ़ा अल मरवा, वहाँ पे 7 मरतबा आपने जो है जाना है, सफ़ा से मरवा मरवा से सफ़ा, नियत करनी है सही कर रहा हूँ और उम्रा मुफरदा की कुर्बतन इल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो अरकान थे वो काफ़ी कर चुके हैं, मीकात से एहराम बांधा, फिर तवाफ किया, 2 रकात तवाफ़ की, सही किया और फिर तकसीर कर दी। तकसीर के बाद मसला यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे जैसे बाहर निकलेंगे ना आपको हर दूसरा बंदा कहेगा तक बाल कटवाने बाल कटवाने बाल कटवाने, सही उससे करवाया जाता है, तकसीर उससे की कराई जाती है जो खुद तकसीर किया हुआ हो। ये तो इधर ही रहते हैं लोकल वगैरह, तो मेरा तो यही है कि भाई आप तकसीर जो है खुद ही अपने हाथ से, इनसे कराने की ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, हर दूसरा बंदा आपको तंग करेगा तो भाई बाल कटवाने बाल कटें सर खा गए इंडा करने के चक्कर में पड़ गए। तो मैं आपको बता दूँ कैंची आपके बजेब में उनके बैग में कोई मना नहीं है, हरम निकाल दें खुद ही काट दें, जो वो शख्स काटे जिसकी तकसीर की हुई है। ठीक है जी, ये लोग परेशान कर रहे हैं काफ़ी ज़ायरीन को, तो इससे बच के रहे, पैसे भी पता नहीं कितने लेंगे। चलो जी, ये आपको बताना ज़रूरी था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, उम्रा मुफरदा के अहकाम में बता रहा था आपको, सबसे पहले उम्रा मुफरदा जो होता है वो हज के अलावा होता है और ये मुस्तहब है, इसकी कुछ अहकाम हैं वो आपको बताता चलूँ। इस वक्त जिस मकाम पे मौजूद हूँ सफ़ा मरवा है, हम सही कर चुके हैं, हम निकल रहे हैं तवाफ़ उन्निसा के लिए, तो थोड़ा वक्त मिला मैंने कहा क्यों ना आपको यूँ उम्रा मुफरदा के बारे में आगाह करता चलूँ। ये रात के वक्त में मर्द जो हैं वो करते हैं और लेडीज़ के लिए दिन और रात दोनों में वो उम्रा मुफरदा अदा कर सकती है। सबसे पहले तो मीकात में अगर मदीने से आएंगे तो आपको अबियार इमाम अली जो है दुल्हलीफा वहाँ पर एहराम बांधना होगा, गुसल के लिए जगह होती है, गुसल करें और एहराम बांधें और फिर उसके बाद नियत करें कि मैं एहराम बांध रहा हूँ जो है उम्रा मुफरदा का कुर्बतन इल्लाह। फिर तलबिया पढ़ना होता है, तलबिया क्या होती है, जैसे हम कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमद व निअमत व लकल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, इस तरह इसका तकरार करें
और उसके बाद फिर जो है गाड़ी में बैठे मक्के की तरफ निकले। जैसे मच्चे मक्के में पहुँचेगा, अपनी बैग वगैरह होटल में रखने के बाद जो है वो काबतुल्लाह की तरफ बढ़ेगा। सबसे पहले रुकने यमानी से वहाँ पर अल्लाह अकबर की वो एक ग्रीन पट्टी होती है, सामने लाइनें होती हैं, वहाँ पर वो नियत करेगा उमरा मुफरदा का तवाफ कर रहा हूँ कुर्बतन इलल्लाह। ये ग्रीन जो लाइनें जब आपको दिखाई दें यहाँ पर तो लोग दौड़ते इसके लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुस्तहब है कि यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी चला जाए। लोग यहाँ दौड़ते भी हैं अपने अपने जो है मज़हब के हिसाब से। तो मैं आपको बताता हूँ, चलो रुकने यमानी पे आप जैसे नियत करेंगे उमरा मुफरदा जो है कर रहा हूँ कुर्बतन इलल्लाह, रुकने यमानी उससे अंदर वाले हिस्से में आप अगर वो तवाफ़ करें तो सबसे बेहतर है। जैसे आप तवाफ़ करेंगे आगे बढ़ेंगे तो आपको रुकने यमानी नज़र आएगा, उसके अंदर ही अंदर आप तवाफ़ करते रहें, किसी को धक्का ना आए, कोशिश करें। मुख्तलिफ़ दुआएँ वगैरह पढ़ सकते हैं आप, और सलाम पढ़ सकते हैं, और कुरान पढ़ सकते हैं अगर आपके पास मोबाइल में है तो। वो इस तरह साथ आपने वो तवाफ़ करना है। उसके बाद जब तवाफ़ हो जाएगा और जहाँ पर आपने शुरू किया था वहीं पे उस वक्त जहाँ जहाँ जब जब उस रुकने यमानी जहाँ से तवाफ़ आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचेंगे, आपने नदा देनी है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, लोग भी दे दें आपको पता चल जाएगा, यानी आपका एक तवाफ़ को जो है कितनी मरतबा आप चक्कर लगा रहे हैं आपके जहन में रहेगा। उसके बाद फिर जो है वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर आपने जब ये सात चक्कर रहने के बाद दो रकात नमाज पढ़नी है तवाफ़ की, उसके बाद फिर आपने सई यानी सफ़ा मरवा पे सात चक्कर लगाने, यानी ये सामने जो आपको दिखाई ये सफ़ा है, यहाँ से आप शुरू करेंगे, नियत करें कि भाई मैं सफ़ा मरवा का सही कर रहा हूँ उमरा मुफरदा की कुर्बतुल्लाह। यहाँ से निकलेंगे मरवा तक एक, मरवा से फिर सफ़ा जो है दो, फिर इस तरह करते करते वापस जो है लास्ट आपका मरवा पे बनेगा, तब ये सात चक्कर आपके बनेंगे। उसके बाद आपने तकसीर करनी है, यानी अगर आप हलक कराएं या फिर आप अपने बाल जो है वो काटें या उस शख्स से कटवाएं जो तकसीर कर चुका हो, ठीक है, उमरा मुफरदा में उससे, ये याद रहे। और उसके अलावा फिर आप तवाफ़ निसा के लिए इसी गेट से बाहर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तवाफ़ निसा अदा करेंगे, उसके बाद दो रकात तवाफ़ निसा पढ़ेंगे, फिर जो है जैसे आपने तकसीर कर लिए फिर आपने जो एहराम बांधा हुआ है इनकी जितनी वो मुहर्रमात शरायत थी उससे आप आज़ाद हो जाएंगे, तवाफ़ निसा जो है बाहर जाके आप फिर काबतुल्लाह में वो सात मरतबा तवाफ़ करेंगे, जिसे तवाफ़ निसा की नियत करेंगे, तवाफ़ निसा कर रहा हूँ कुर्बतुल्लाह, तकसीर करते वक्त भी यह नियत करेंगे मैं तकसीर कर रहा हूँ और उमरा मुफरदा की कुर्बतन इलल्लाह, तवाफ़ निसा करते वक्त भी तवाफ़ निसा कर रहा हूँ कुर्बतन इलल्लाह, फिर दो रकात जो पढ़ेंगे तवाफ़ निसा की दो रकात पढ़ रहा हूँ कुर्बतन इलल्लाह, इसमें आपका उमरा पूरा हो जाएगा। ये मुख्तसर एकामात हैं और मैं कोशिश करूँगा इसको फिर उनके काबतुल्लाह के सामने भी ये चीज़ें बता सकूँ। ये सफ़ा मरवा है और ये सफ़ा मरवा की वो जबल है जिसे आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उमरा मुफरदा हमारा मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्र है मौला हुसैन, शुक्र है मौला मुश्ताक, आज हमारा खैर से उमरा दा ज़िंदगी का पहला उमरा मुफरदा आज जो है पूरा हो चुका, तमाम अरकान पूरे कर दिए माशाल्लाह, तमाम उम्मीद जिन्होंने दुआओं के लिए कहा उन सबके लिए बहुत सारी दुआएँ खाना काबा पर माशाल्लाह, जितना सुना था उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खाने का बहुत खूबसूरत है। अली मौला मौलू दे मौला मुश्किल को शाह मकाम मौलू दे मौला मुश्किल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा आला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाल मुहम्मद वजेल फरजूम। मैं एक मुकम्मल उमरा कर चुका हूँ, अभी दूसरा बाबा की नियाबत में करने आया हूँ। अब देखिए मैं आपको एक वीडियो में जो मीकात का वगैरह दिखाया उमरा करने के लिए, तो उस वक्त मैंने उमरा कर चुका था, सही के भी जो सही किया था उस वक्त भी वीडियो बनाई है, एकामात बताए। दूसरा उमरा जब आप करना चाहते हैं तो मक्के में बगैर इस एहराम के आप घूम सकते हैं। अगर आपका मक्के में दाखिल होना है तो पहली मरतबा जब दाखिल होना है तो आपने एहराम बांधना है। पहली मुराद से ये कि हर माह एक ही उमरा बंदा कर सकता है, तो जिस माह में आपने उमरा कर लिया है उस माह में अगर आप
दोबारा मक्के में आना चाहते हैं तो बग़ैर अहराम के आप दाखिल हो सकते हैं। अब ये कि मैं क्योंकि अपने बाबा के उसके लिए करना आया हूँ, अपनी नियाबत में एक ही होगा, अपनी तरफ से एक ही एक माह में होगा कमरी जो हिसाब से। अब दूसरा जो मैं करने आया हूँ इसी मीकात, ये मक्के के अंदर आखिरी हदूद है दाखिल होने के लिए, यहाँ पर आना पड़ेगा। आप किसी से पूछेंगे कि भाई मक्के में दूसरी जब हम दूसरी मरतबा उमरा करना चाहें तो वो कहाँ जाएँ, इस मीकात पर, इस मीकात पर आके आपने आपने क्या करना है, अहराम बांधना है, उसकी नियत करनी है और फिर नमाज वो पढ़नी है, छः रकातें दो दो करके नमाज पढ़नी है और उसके बाद ये सारे मुस्तबात में और तलबिया जो है वो ज़रूरी पढ़ना है। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमा व लक मुल्क ला शरीका लक लब्बैक, यहाँ तक ये पढ़ते हुए जाना है खाना का वक्त, कम से कम 70 मरतबा हम ताकीद की गई है पढ़े। अब यहाँ से फिर मैं कहाँ जाऊँगा, ये मेरा दूसरा उम्रा है बाबा मरहूम की तरफ से करने जा रहा हूँ। जो लोग कहते हैं कि भाई एक वक्त में मैंने 10 उम्रा किए 15 किए, वो तो समझ में नहीं आता, एक ही उम्रा बहुत है अगर सही तरह से वो किया जाए। दूसरा नियाबत में क्योंकि मेरे वालिद मरहूम की ख्वाहिश थी इधर नहीं पहुँच पाया तो उनकी नियाबत में करने जा रहा हूँ। तो वहाँ पर अभी यहाँ मगरिब के बाद ही हम जो शिया ने इधर करा रहे हैं क्योंकि वो साया ख़त्म हो जाता है, सूरज ख़त्म, दिन में करेंगे तो मजबूरन आपको उम्रा देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मुखालफत की आपने वहाँ उसका कफारा देने पड़ेगा, जिस मुखालफत से जो ज़्यादा मुखालफत होगी, जिस तरह सोन या खून निकालना, कभी ऊँट हो जाता है कुफारे में यानी जुर्माना खुदा की तरफ से, कभी बकरा हो जाता है, कभी खाने को खिलाना होता है, वो कुफारा देखा जाएगा किस हिसाब से। सीधा जाऊँगा मैं, किधर जाऊँगा, सीधा मक्का की तरफ अंदर दाखिल होऊंगा। मैंने रुके नहीं यमाने पे इस उसको कांधे को करके वहाँ से नियत करके उमरा मुफरदा का तवाफ कर रहा हूँ, कुर्बतनिल्लाह 7 चक्कर लगाने, उसमें आपने बातें ज़्यादा नहीं करनी, नहीं बोलना है फजूल वगैरह, ये वो कुरान पढ़ सकते हैं, दुआ पढ़ सकते हैं और खामोश रहें जो आपकी मर्ज़ी हो, फजूल बातें नहीं करनी है, मोबाइल उठा के वीडियो बनाते रहें ये भी नहीं है। तो आपने क्या करना है वहाँ पर 7 चक्कर लगा दिए, जब वो पूरा हो जाएगा ग्रीन लाइट, इस तरह की तस्बीह होगी एक छोटे से उसके साथ इहराम के साथ आती है जिसमें 7 दाने होते हैं, वो आपके हाथ में हो तो बहुत ज़रूरी है, वरना रश की भीड़ की वजह से आप किसी को धक्का भी नहीं देना है, अजियत भी नहीं देनी है, खुद भी आपने संभल के चलना है। इधर खून किसी का निकला या का आपने निकाला तो उससे नहीं उफारा है। अब ये कि आपने यहाँ से फिर मकाम जो इब्राहिम होगा जो वीडियो में दिखाया जाएगा उसके अंदर ही आपने वो तवाफ़ करना है और हजर इस्माइल, ये सारी चीज़ें जो है मैं वहाँ वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। तो ये मीकात है दूसरा जो है उमरे के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ सही है वहाँ खड़े होकर आपको बनाऊँ, जहाँ रुकने यमानी है वो दिखा के बनाऊँ, क्या करना है क्या नहीं करना वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में। मैं आपके साथ शाकिर अल-नजफी, मेरी इस वीडियो के बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मीकात में मौजूद हूँ, वो मीकात जो मक्के के सबसे करीब है क्योंकि दूसरा हूँ मेरा उमरा है वालिद मरहूम की तरफ से, तो इसके लिए अब उसकी नियत क्या होगी मैं अभी नियत कर रहा हूँ आपके सामने, जब नियत करें तो उस वक्त आप ये जो है इहराम को आगे पीछे करूँ करें। उमरा मुफरदा कर रहा हूँ अपने वालिद मरहूम दिलदार अली इब्ने अमानुल्लाह की तरफ से अनियाबत में कुर्बतन इलल्लाह, उमरा मुफरदा यानी उम्र मुफरदा कर रहा हूँ अपने वालिद महरूम की तरफ से नियाबत में कुर्बतन इलल्लाह। इस तरह करके आपने जब नियत करें तो बार बार तकरार करके कहें, उसके बाद आपको ये जुमले कहना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत व लक मुल्क ला शरीका लक लब्बैक, ये कम से कम 70 मरतबा कहना है आपने, कम से कम ज़्यादा आप हरम की हदूद से पहले, हरम में दाखिल होने के बाद तवाफ़ रुकन यमानी वो आपको दिखाई दे। ठीक है जी, लेडीज़ भी ऐसे ही करेंगे, उनके जो उनके कपड़े होते हैं वही इहराम होता है, मर्दों के लिए फिर ये कि बग़ैर सिलाई किए दो चादरें होनी चाहिए, आम सादा सा लिबास बग़ैर सिला हुआ वो भी उसमें हो सकता है मगर वाइट कलर का, सारे काम आता आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। इस मकाम पे सारे इहराम बांध के निकल रहे हैं मक्का खाने का बकी, हम भी जा रहे हैं चलें। ये वो मकाम है जिसे साई कहा जाता है, जहाँ बीबी हाजरा दौड़ती रही अपने बच्चों के लिए, देखें आज ही दौड़ रहे हैं, हज में भी दौड़ते हैं, उम्र में भी दौड़ना होता है, ग्रीन लाइट जिसके नीचे उसके बाद फिर लोग आहिस्ता चलते हैं, तो ये सही कहलाता है यानी सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा जाना और शुरू करना सफ़ा से और ख़त्म करना मरवा पे, तो ये हो जाता है 7 चक्कर। तो इसके बाद आप तकसीर यानी बाल काटेंगे थोड़े से अपने, चाहे मर्द हो या औरत, तो उसके बाद तवाफ़ निसा और दो रकात। तो ये मकाम सफ़ा और मरवा है जिसे मैं आपको कह रहा था कि आपको बताऊँगा, ये ग्रीन लाइट है, नीचे भी होंगी ऊपर भी होंगी, इसके ऊपर बिल्डिंग हो चुकी उस पर भी ग्रीन लाइटें होंगी, तो ये सारा जो है मकाम है
ये जहाँ बीबी हाजरा जनाब इस्माइल के लिए पानी ढूंढती रही, यहाँ से सीधा आगे जाएंगे। यहाँ से वहाँ तक एक चक्कर होगा, वहाँ से फिर वापस आना है, फिर दूसरा चक्कर इस तरह, फिर वहाँ पहुँच के आपने अल्लाह अकबर कहना है, फिर वहाँ से चलेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहना है। ठीक है जी, ये आप याद करते रहें। अच्छा, दौड़ना ज़रूरी है क्या इतनी स्पीड से ये दौड़ते? नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा अपनी स्पीड को तो हल्की सी बढ़ा दें बस। ये सफा और मरवा कहलाता है, ये वही हिस्सा है जितना यहाँ से वहाँ तक का सफ़र है। कब्र मौला हुसैन से मौला अब्बास का भी सफ़र उतना ही है, और इसी वजह से उसे भी बैनुल हरमैन कहा जाता है। यहाँ पे आखिरी मरवा पे हमारी सही जो है वो पूरी हो चुकी, क्योंकि सफ़ा से शुरू करते हैं, सातवां मरतबा जो है न, वो मरवा पे पूरा होता है। तो यहाँ पे सफ़ा हमारी पूरी हुई, सफ़ा मरवा सही जिसे कहते हैं। अब हमने यहाँ पे तकसीर करनी है, यानी बाल काटने, दाढ़ी के बाल भी काट सकते हैं और सर के भी, और से पूरा सर मुंडवा भी सकते हैं जिसे टिंडा कहते हैं, और औरतें भी यहाँ पे तकसीर करेंगे। थोड़े से हम बाल काटेंगे, यहाँ पे कैंची हमारे साथ होती है, सबके पास होती है, इसकी इजाज़त होती है। अब हम तकसीर करेंगे, ठीक है? तो वो तकसीर का तरीका भी आपको बताया जाएगा। यहाँ से एग्ज़िट का दरवाज़ा है, जो सही कर चुके हैं वो बाहर जा रहे हैं। अब हम तकसीर करेंगे यहाँ पर, बाहर सारे लोग तकसीर में लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े औरतों के हाथ में भी कैंचियाँ हैं, वो तकसीर कर रही हैं। थोड़े से बाल काटने हम भी यहाँ पे काटेंगे, ठीक है जी? वो तकसीर किस तरह करते हैं, कितना बाल काटते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और तकसीर जो होती है, कैंची यहाँ पे बाहर मिल जाती है आराम से, दो तीन ब्याह में फिर यहाँ पे बाल पकड़ के किसी भी बाल पकड़ के, ये मैंने बाल काट दिए, अब ये दस्तों को फेंकेंगे, ये तकसीर हो गई। अब मैं जितने भी अहराम के जो थे, जो हमने अहराम बेना था उसके बंद से हम निकल चुके हैं, ठीक है? अब ये कि हम जो चीज़ें चेहरों को मारना करना, तेल खाना पीना, ये सारी जो चीज़ें वो जो हरामात में शुमार होती है, दूसरी मकरूहात, उन सब से मैं निकल चुका हूँ। ये बाल डस्टबिन फेंकूँगा। अब जिसकी तकसीर की हुई है ना, वो दूसरों का तकसीर कर सकता है, यानी आप किसी और से तकसीर करवा रहे हैं जिसकी तकसीर नहीं की हुई है, तो ये सही नहीं है। तकसीर उससे करवाएँ या खुद करें, या उससे करवाएँ जिससे तकसीर की हुई है। हमें सैयद अली ने की भी तकसीर करूँगा, उन्होंने अपनी मादर की तरफ से, मैंने अपने बाबा की तरफ से ये उमरा किया है। तो यहाँ पे अभी हम तकसीर करेंगे, ठीक है जी? तकसीर कहते हैं बाल काटने को। अब इनके मैं बाल काटूंगा, वीडियो बंद कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए सारे तकसीर कर रहे हैं, ये देखो बाल काट रहे हैं, मुख्तलिफ अहले सुन्नत वाले मुख्तलिफ जगहों से काटते हैं, हमारे लिए कि बस बाल काटना साबित हो जाए कि कट गए, ठीक है जी? ये तकसीर कहलाते हैं। सुभान अल्लाह, मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात हैं ये। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم।
اللهم عجل لوليك الفرج फतह बिला फसल खाने का बाकी अजान असर का वक्त है। नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तमाम उम्मीदों के लिए दुआएं। अल्लाह पाक आप सब मुसलमानों को उम्र और हज की सआदत नसीब करें। मुझसे मैं लाही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद या मेरे खुदाया लाखों दुरूद व सलाम आपके नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर मोमिनीन मुश्किल कुशा मौला हुसैन उनकी ज़ुर्रियत पे मौला हसन के फासमा भी खदीजा पर मेरे खुदाया मैं दुआ को हूँ उन मोमिनीन मोमिनात के लिए जिन्होंने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया खाना काबा के सामने हमारे लिए दुआ करना है। मेरे अल्लाह उन सब को अपनी खाना काबा का उम्रा और तवाब और ज़ियारत नसीब फरमा खुसूसन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली पाक में ज़ारा पैतन पाक 12 इमाम चौदह मासूमीन की सबको ज़ियारत नसीब फरमा उन सब की दुआओं को मुझसे जा फरमा जिसने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया खाना काबा में आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ। ये वो दरवाज़ा है इसके दरवाजे के बिल्कुल नीचे जो है हजर अस्वद है रुकन यमानी भी इसके पीछे है और ये पानी जहाँ से देता है वो आप तमाम उम्मीद मामला के लिए दुआ को हम लोग सबको मक्के में उम्र और हज नसीब कर इलाही